वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम्स वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ एक्टर्स की नेटवर्थ को लेकर। दोस्तों आप सबको तो ये पता ही होगा कि साउथ एक्टर्स करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कौन सा एक्टर टॉप 10 लिस्ट में शामिल है और किसकी नेटवर्थ सबसे हाई है और इनकी इनकम के क्या क्या सोर्सेस हैं? तो फिर चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे 10 साउथ एक्टर्स हैं जिनकी अर्निंग और नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। तो शुरुआत करते हैं बॉटम से टॉप तक। तो नंबर 10 पर है अजीत कुमार। सिकंदराबाद तेलंगाना में जन्मे अजीत कुमार इस लिस्ट में 10वें नंबर पे हैं। अजीत कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 में एन वीडू एन कनावर मूवी से की थी। अजीत एक फिल्म एक्टर के साथ साथ प्रोफेशनल मोटर कार रेसर भी हैं। अजीत वेदलम, विवेगम, विश्वासम और वलीमई जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं। अजीत नेस्कैफे जैसे और भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। अजीत के कार कलेक्शन में होंडा एकॉर्ड, बीएमडब्ल्यू 7 जैसी लग्जूरियस कार्स भी शामिल हैं। बाइक कलेक्शन में एप्रिला कैपोनार्ड, बीएमडब्ल्यू S1000RR और बीएमडब्ल्यू K1300S जैसी और भी कई महंगी महंगी बाइक्स शामिल हैं। करीब 52 से ज्यादा फिल्में करने वाले थाला अजीत कुमार की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए है। नंबर 9, जूनियर NTR। जूनियर NTR यकीनन इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। उनकी एक्टिंग के प्रति उनकी मेहनत देखी जाए तो हमें ये एहसास होता है कि NTR किस दर्जे के एक्टर हैं। NTR अपने सिंगल टेक एक्टिंग के लिए बिना रिहर्सल के डांस करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। NTR ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2001 में निन्नू चुडलानी मूवी से की थी। NTR ने अरविंदा समेथा, जनता गैराज, जय लव कुसा और टेम्पर जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है। मलाबार गोल्ड, हिमानी नवरत्न हेयर ऑयल, बोरो प्लस पाउडर और झंडू बाम जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स को ये प्रमोट करते हैं। NTR के पास लैम्बोर्गिनी यूरुस, बीएमडब्ल्यू 730LD, मर्सिडीज GLS, रेंज रोवर वोग और पोर्श कैमैन जैसी कई लग्जूरियस कार्स हैं। करीब 28 फिल्मों में काम कर चुके जूनियर NTR की नेटवर्थ 480 करोड़ रुपए है। नंबर 8, अल्लू अर्जुन। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन इस लिस्ट में नंबर 8 पर हैं। गंगोत्री मूवी से डेब्यू करने वाले अल्लू अर्जुन ने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज साउथ इंडस्ट्री को दी हैं, जिसमें अला वैकुंठ पुरामुलु, डीजे, ना पेरू सूर्या, सराय नोडू और रेस गुर्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्में सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देखी जाती हैं और इसी वजह से अल्लू की ब्रांड वैल्यू भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। अल्लू ने कोलगेट, हीरो मोटोकॉप, हॉटस्टार, प्रो कबड्डी लीग, 7 अप, जॉय लुकास और रेड बस जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स किया है। अल्लू की कार कलेक्शन में कई लग्जूरियस कार्स शामिल हैं, जिसमें रेंज रोवर वोग, जैगुआर XJL, वोल्वो XC90 T8 एक्सीलेंस, हमर H2 और लग्जूरी फैल्कन वैनिटी वैन शामिल है। करीब 19 फिल्मों में काम कर चुके इस स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपए है। नंबर 7, महेश बाबू। घट्टा मीनानी महेश बाबू, जिन्हें हम महेश बाबू के नाम से जानते हैं, वो एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। साउथ के प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू ने भी कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, जिसमें सरीलेरू, निक्के वरु, महर्षि, श्रीमंथुडु और स्पाइडर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। महेश बाबू ने कई सारे ब्रांड्स को प्रमोट किया है, जिसमें नवरत्न तेल, आइडिया, संतूर, रॉयल स्टैग, TVS मोटर, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, पैरागॉन और टाटा स्काई जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। महेश बाबू के पास मर्सिडीज GLS 350D, BMW 730LD, मर्सिडीज GL क्लास 450, रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कई लग्जूरियस कार्स हैं। करीब 26 फिल्मों में काम कर चुके प्रिंस महेश बाबू की नेटवर्थ करीब 530 करोड़ रुपए है। नंबर 6, प्रभास। उपलापति वेंकटा सूर्य नारायण प्रभास राजू उर्फ डार्लिंग प्रभास इस लिस्ट में नंबर 6 पर हैं। प्रभास ने कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है, जिसमें उनकी बाहुबली 1 और बाहुबली 2 मूवी इनके करियर को बदलने वाली मूवी थी। बाहुबली 1 और 2 दोनों में ही प्रभास ने अपनी एक्टिंग, एक्शन और लुक्स से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। साथ ही प्रभास ने और भी कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है, जिसमें साहो, मिर्ची, रिटर्न ऑफ रेबल जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रभास कई बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और उनके कार कलेक्शन में जैगुआर XJL, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस फैंटम, BMW और लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर रोडस्टर जैसी कई लग्जूरियस कार्स शामिल हैं। करीब 19 फिल्मों में काम कर चुके डार्लिंग प्रभास की नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए है। नंबर 5, विजय।
इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थलापति विजय इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर हैं। विजय एक एक्टर के साथ साथ डांसर, प्लेबैक सिंगर और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। विजय ने कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है, जिसमें उनकी लेटेस्ट मास्टर, बिगिल, मर्सल, थैरी और सरकार जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ ही विजय कई बड़े बड़े ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, जिसमें आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स, टाटा डोकोमो और कोको कोला जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। विजय के पास बीएमडब्ल्यू X5, रोल्स रॉयस घोस्ट, बीएमडब्ल्यू मिनी कूपर, ऑडी A8 और टोयोटा इनोवा जैसी कई लग्जूरियस कार्स इनकी कार कलेक्शन में शामिल हैं। करीब 63 फिल्मों में काम कर चुके थलापति विजय की नेटवर्थ करीब 640 करोड़ रुपए है। नंबर 4, रजनीकांत। शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ सुपरस्टार रजनीकांत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात की जाए तो हमारा ये वीडियो ही कम पड़ जाएगा इनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज बताते बताते। छोटे से घर से आने वाले रजनीकांत ने सिर्फ साउथ या इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस कमाए हैं। रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर मूवीज में शिवाजी, रोबोट सीरीज कबाली और काला जैसी कई बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। ये 70 की उम्र के होने के बावजूद आज भी ऐसी एक्टिंग करते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत के इतने बड़े करियर में इन्होंने आज तक एक भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है और इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास कई सारी लग्जूरियस कार्स हैं, जिसमें प्रीमियर पद्मिनी, एम्बेसडर, मर्सिडीज 7S, बेंस जी वैगन, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, कस्टमाइज्ड बेंटले लिमोजिन और लैम्बोर्गिनी यूरस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 160 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके सुपरस्टार रजनीकांत की नेटवर्थ करीब 680 करोड़ रुपए है। नंबर 3, कमल हसन। यूनिवर्सल हीरो के नाम से जाने जाने वाले एक और साउथ और वेटर्न और लेजेंडरी एक्टर कमल हसन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। कमल हसन एक एक्टर के साथ साथ डांसर, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट और पॉलिटिशियन भी हैं। साथ ही वो तमिल फिल्मों के साथ साथ हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। कमल हसन ने भी कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है और उनके पास लैंड रोवर इवोक, हमर H3 और ऑडी A8L जैसी कई लग्जूरियस कार्स हैं। 230 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके यूनिवर्सल हीरो कमल हसन की नेटवर्थ करीब 750 करोड़ रुपए है। नंबर 2, अक्किनेनी नागार्जुना राव। अक्किनेनी नागार्जुना राव उर्फ नागार्जुन, जो एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर और एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। नागार्जुन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जिसमें उनकी कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, जिसमें से मास और डॉन तो हम सभी की फेवरेट है। नागार्जुन ने कल्याण ज्वेलर्स और पैराशूट ऑयल जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट भी किया है। नागार्जुन के कार कलेक्शन में बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, ऑडी A7, बीएमडब्ल्यू M6 जैसी कई लग्जूरियस कार्स शामिल हैं। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके नागार्जुन की नेटवर्थ करीब 850 करोड़ रुपए है। अब नंबर 1 की बारी। नंबर 1 पर है रामचरण। जी हाँ, चिरंजीवी के बेटे कोनिडेला रामचरण तेजा उर्फ रवि तेजा भी एक्टिंग और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में किसी से कम नहीं है। रामचरण 2013 से फोर्ब्स के इंडिया के 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल है। रामचरण ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2007 में चिरूथा मूवी से की थी। रामचरण ने मगधीरा, ध्रुवा, रंगस्थलम और येवाड़ू जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। रामचरण पेप्सी, टाटा डोकोमो, वोलानो, अपोलो जियो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ रामचरण अपने फिल्मी करियर के अलावा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। रामचरण के पास रेंज रोवर, रोल्स रॉयस फैंटम और ऑडी मार्टिन V8 विंटेज जैसी लग्जूरियस गाड़ियां हैं। करीब 12 फिल्मों में काम कर चुके रामचरण की नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बगल की बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और अगर आप हमसे यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए और वहां पर जाकर आप हमसे भी मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक देते रहिए प्यार प्राइम्स वर्ल्ड को। शुक्रिया।